इंसान रहते हैं, हर देश में इंसान रहते हैं। अरे 100 लोग गलत है, अरे 100 लोग गलत है उसको ढूंढ के मारो, 100 लोग गलत है उसको ढूंढ के मारो, लेकिन समझ करो और निर्दोषों को बचाओ। इंसान तुम्हें मॉनिटर का काम दिया गया, तुम्हें नेता का काम दिया गया, तुम्हें जनता को देखना है, ना कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रहम नहीं है तुम्हारे पास। अगर रोका जा रहा कोई बात नहीं है, ठीक है, हम एनआरसी में सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों एनआरसी पे या 370 पे जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, एनआरसी पे सिर्फ एक सवाल पूछना है। मुझे बता दो, एक उदाहरण देता हूँ। सपोज दैट एक जगह पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, बच्चा चल रहा है, उसमें एक आदमी है जो उस परिवार को लेकर पूरी तरह से चला रहा है, ठीक है। कोई बच्चा बाहर में रहता है, वो चोरी छुपे उस घर पे आ जाता है, या उसको वो खुद बुला लेता है। उसका स्वार्थ क्या है? प्रेम, उस आदमी का प्रेम है। वो क्या करता है, उस बच्चे को लाता है, पढ़ाता लिखाता है, सब कुछ करता है, वक्त के साथ सब कुछ हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वक्त के साथ वो आदमी थक जाता है बेचारा, वक्त के साथ चल जाता है, विनम्रता है। उसके बाद कुछ समय के बाद एक इंसान पैदा होता है, और जिद्दी इंसान पैदा होता है, और वो अचानक से कहता है कि अब निकल जाओ तुम, अब निकल जाओ तुम, अब दिक्कत है। उस टाइम उन लोगों को कोई नहीं बोला था कि तुम मुझे रख लो, उन लोगों ने नहीं कहा था कि तुम अपने घर पे घुसा लो, मुझे खाना खिलाओ, मैं ये हूँ बांग्लादेशी हूँ, ये हूँ वो हूँ, जिस तरह से लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये अचानक से क्या बोल रहे हैं, 19 लाख लोगों घुसपैठियों को निकालूंगा। अरे आप एक टीचर हो, अगर बच्चा क्लास में आकर एंट्री कर जाता है, अगर सीट नहीं रहती है तो उसको मैनेजमेंट आपका करने का काम है, ना कि आप उसको निकाल कर फेंक दो। अब उसको संभालो, उसको मैनेज करो, जिद मत करो, उसको समझाओ, उसको रखना है आपको, वो किसी गैर से नहीं है। और जिस तरह से आप 370 की घटना कह रहे हैं, आज मैं आपको बता दूं सुषमा स्वराज जी इतिहास बनने वाली है। आपको बता दूं अगर आप कुदरत से परवरदिगार से अगर नहीं डलते, अल्लाह मौला से नहीं डलते, तो आज मैं आपको बता दूं किस तरह से सुषमा जी स्वराज के साथ घटना घटा। 5 तारीख के मैं लीन अवस्था पे था, मैं बता दूं बहुत साधारण इंसान दिख रहा हूं, आपको नहीं समझ में आएगा। वो इंसान जब तक किसी को देखता नहीं, किसी को नहीं समझ में आता है। स्कूल और कॉलेज बहुत चूक कर चुका, बहुत फकीरियों को तरह रहा, तो कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन जब इंसान समझेगा तो कलम को समझा जा सकता है। उस दिन क्या हुआ, ऐसा घटना घटी वहाँ पे, तो मैंने एक कल्पना किया था, इतना भी अहंकार मत दिखा कि मातम पल भर में घर गिर जाए, तुम्हारे घर में गिर जाए। अरे वो भी इंसान है, तू भी इंसान है, ये अल्लाह मुस्लिम हिंदू पाकिस्तान कुछ नहीं होता, कश्मीर और बलहम, इनको ईश्वर से डरो, समझो। और देखो ठीक वक्त के साथ 6 तारीख को सुषमा स्वराज जी ने रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खुशी दिखाई कश्मीर की आज़ादी में, उन्होंने सबसे पहले खुशी दिखाई, और ये पर्वत ने अपना, ये ऊपर वाले ने अपना रहस्य दिखा दिया, अपना दिखा दिया चमत्कार, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। आप जब जब खुशी मनाने जा रहे हो तब तब आपको दुख घेर रहा, आप जब जब खुशी मनाने जा रहे हो तब तब आपको दुख घेर रहा। एक लास्ट बात बोलूंगा, बात खत्म। ना हिंदू करो ना मुस्लिम, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान, ना हिंदू की बात करो ना मुसलमान, ना हिंदुस्तान और ना पाकिस्तान, ना अमेरिका और ना जापान। अरे हर देश में इंसान रहते हैं, हर देश में इंसान रहते हैं। अरे 100 लोग गलत है, अरे 100 लोग गलत है उसको ढूंढ के मारो, 100 लोग गलत है उसको ढूंढ के मारो, लेकिन समझ करो और निर्दोषों को बचाओ। इंसान तुम्हें मॉनिटर का काम दिया गया, तुम्हें नेता का काम दिया गया, तुम्हें जनता को देखना है, ना कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रहम नहीं है तुम्हारे पास। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।